मरकजी सदर किसान इत्तेहाद मियां उमर मसूद का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च मोरखा 20 दिसंबर मुल्तान से शुरू होगा और लाहौर पहुंचेगा। ट्रैक्टर मार्च में हजारों ट्रैक्टर शामिल होंगे। सूबाई हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के बाद किसान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुकदमे के समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत किसी एक मसले पर मुल्क भर में मुकदमा दर्ज किए जाने का मामला हमेशा के लिए तय करेगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि जून तक अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। सऊदी अरब और चीन से मुस्बत गुफ्तगू हुई है जबकि IMF की नई किस्त के लिए तमाम मामलात पूरे हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हुकूमती पॉलिसी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए वाली बात माजी की है, वो पूरी करना होगी। मुफ्ता इस्माइल ने कहा है IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो दीगर आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे जिससे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ इमरान खान ने धकेला। इमरान खान आज भी मुल्क को डिफॉल्ट देखना चाहता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने तोशाखाना का गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। नूर आलम खान ने कहा है कि जजों और ब्यूरोक्रेट्स में तमाम अफराद को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। ऑडिटर जनरल सियासतदानों समेत सबको मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश करें। वफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिखा है कि खाम माल की दरामद के लिए LCs ना खोलें तो अद्वियात का बहरान आ सकता है, जबकि दवा साज फैक्ट्रियों के पास अब सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। लाहौर जोहर टाउन धमाके में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत दाखिला ने कहा है कि धमाके के जिम्मेदार 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्ला का कहना था कि भारतीय दहशतगर्दी का मामला वजारत खारजा के जरिए अक्वामे मुत्तहिदा में उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रबते में सेहत आमा और समाजी शोबे के पाकिस्तान में जारी प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। बटग्राम गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर दरियाए सिंध में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि 3 से 4 मुसाफिरों को डूबने का खदशा भी है जिनकी तलाश जारी है। 9 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूलों की खस्ता हाली से मुतालिक दरख्वास्त पर घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फरोख्त करने के इंकशाफ पर नोटिस लेते हुए चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज लाइव के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज लाइव।